तो गाइस कुछ टाइम पहले बोल्ट ने अपना जेट 40 को लॉन्च करा था और उस पे लोगों ने इतना प्यार दिखाया ना कि फ्लिपकार्ट पे 4.1 स्टार की रेटिंग है और 59,000 कस्टमर ने फ्लिपकार्ट पे रिव्यू दिया है भाई। तो उसी का सक्सेसर आज है हमारे पास बोल्ट जेट 40 प्रो दोस्तों। अब इसमें क्या कुछ अपग्रेड करा है प्रीवियस जनरेशन से वो इस वीडियो में देखेंगे और कैसा है ये TWS सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं भाई। क्विक से अनबॉक्सिंग करते हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो कर दो भाई और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बॉक्स खोलोगे भाई यहां पे इसकी 15 मंथ का वारंटी कार्ड मिल जाता है, यूजर मैनुअल गाइड मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाता है, एल साइज मिल जाता है, एम साइज मिल जाता है और एस साइज मिल जाता है और यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी केबल मिल जाता है। अब नजर डालो भाई TWS के ऊपर, मेरे पास इसका मिडनाइट है। इसके 3 कलर और मिल जाएंगे आपको, जंगल, लेवेंडर और डाउन। जो भी कलर आपको पसंद आता हो वो कलर आप ले सकते हो। अब इसका जो केस है दोस्तों डुअल टेक्सचर रबराइज ग्रिप के साथ आता है एंड यहाँ पे भाई काफी प्रीमियम रबर मटेरियल का यूज किया गया है, हाथों में काफी अच्छा ग्रिप बनता है, काफी हैंडी है दोस्तों। और एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि इसका जो केस है स्क्रैच प्रूफ है दोस्तों, तो स्क्रैचेस वगैरह भी इस पे नहीं आते हैं और बिल्ड वगैरह के मामले में भी मेरे को जो TWS है ये काफी अच्छा लगा है। और ईयरबड्स के ऊपर आपको पेयरिंग लाइट मिल जाता है, केस के ऊपर भी आपको लाइटिंग मिल जाती है और नीचे की साइड में आपको USB पोर्ट मिलता है। बाकी इसका हिंज भी काफी अच्छा है। इसमें क्वाड माइक का यूज किया गया है जो कि एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। इसमें आपको बोल्ट का जेन मोड भी मिल जाता है तो काफी प्रीमियम काफी क्रिस्टल क्लीन साउंड आती है दोस्तों कॉलिंग के टाइम। और ईयरबड्स में बोमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है एंड इसमें आपको 10mm का ड्राइवर मिलता है। तो जो लाउडनेस है और जो क्लियरिटी है ना दोस्तों ईयरबड्स की काफी अच्छी है, तो यहाँ पे साउंड के मामले में नो डाउट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एंड यहाँ पे अगर आप गेमिंग करते हो तो इसमें आपको 45ms की लो लेटेंसी मिलती है, तो अगर आप BGMI जैसे गेम खेलते हो तो जो आपको फुटप्रिंट्स है वो आपको क्लियरली समझ में आएंगे दोस्तों कि किधर से फुटप्रिंट्स आ रहे हैं। कि ये जो है ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है तो पेयरिंग वगैरह के मामले में भी काफी फास्ट है। और ये लाइटिंग बोल्ट टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हो ना तो ये आपको 120 मिनट का प्ले टाइम निकाल कर दे देगा। यहाँ पे टोटल प्ले टाइम जो है ना इसका भाई 100 आवर्स का है, तो बैटरी बैकअप आपको इम्प्रेस करेगी। ये जो TWS है IPX5 की रेटिंग के साथ आता है, तो अगर आपको पसीना आता है हल्के फुल्के पानी में ये चला जाता है तो उस सिनेरियो में इसको कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पे इसका टच कंट्रोल भी काफी अच्छे से काम करता है, अगर आप सिंगल टाइप करोगे तो म्यूजिक पॉज अनपॉज होगा, डबल टाइप पे भाई नेक्स्ट सॉन्ग पे स्विच होता है और ट्रिपल टाइप करोगे तो आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप ट्रिपल टाइप टू होल्ड करके रखोगे तो जो गूगल असिस्टेंट है या फिर सिरी है वो जो है इनेबल हो जाएगा और यहाँ से ही आप कमांड दे सकते हो दोस्तों। और अगर आप 4 बार टाइप करोगे तो गेम मोड पे चले जाओगे आप, या फिर गेम मोड से आप म्यूजिक मोड पे आ सकते हो। और अगर कॉल वगैरह आता है तो सिंगल टाइप पे कॉल आप रिसीव कर सकते हो। इसका टच कंट्रोल भी काफी अच्छा है, ये काम भी अच्छे से कर जाता है। यहाँ पे इस TWS में जो चीजें दे रखी है ना भाई काफी खतरनाक दे रखी है, जो प्रीव्यू जनरेशन है ना उससे काफी कुछ इसमें अपग्रेड करा गया। लाइक पिछले वाला TWS आपको 60 घंटे का प्ले टाइम निकाल कर देता था और ये आपको 100 घंटे का प्ले टाइम निकाल कर दे रहा है। एंड जो पिछला वाला था उसमें आपको ENC मिलता था, बट इसमें आपको क्वाड माइक ENC मिलता है, वहीं पिछला वाला मैट फिनिश के साथ आता था एंड ये जो है डुअल टोन रबराइज केस के साथ आता है जो कि दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। और इसकी जो लॉन्च प्राइस है 1199 की, तो आप इसे फ्लिपकार्ट से जाके बाय कर सकते हो और इनके 2 करोड़ से ज्यादा हैप्पी कस्टमर है। बाकी आप अपनी राय बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये TWS। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।